नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जायका विद सीमा में। आज मैं जो आप रेसिपी आप लोगों के साथ बनाने जा रही हूँ, ऐसे तो उसे कभी भी आप बना सकते हैं, पर उस महीने में ये अवश्य बनाया जाता है। ये बिहार की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जी हाँ, दाल पीठा। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ बनाती हूँ दाल पीठा। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। इससे मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपने चैनल पर डालूंगी तो ये नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए बनाते हैं बिहार की फेमस दाल पीठा। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं दाल पीठा, जो बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है। मैंने यहाँ पे चना दाल को 3-4 घंटे के लिए भिंगा के रखा था और काफ़ी अच्छे से इसे धो के छान ली हूँ। अब इसमें मैं मिलाती हूँ लहसुन, आधी का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्च, एक चम्मच के करीब जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च। अब इसे मैं एक मिक्सी जार में लेके पीस लूंगी। ये दाल बहुत बारीक नहीं पीसना है, दरदरा में इसे पीसूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दाल को पीस लिया है, दरदरा ही दाल यहाँ पे बहुत अच्छे से फुला हुआ रहेगा तो इसे पीसने में आसानी होगी। ये देखिए, बहुत महीन नहीं है, बारीक नहीं है, दरदरा है। इसी तरह मैं और भी दाल को पीस, ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे दाल को पीस लिया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालती हूँ, 1 चम्मच के करीब नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम बेसी कर सकते हैं, हल्दी 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा कलर के लिए। अगर आपको मिर्ची पसंद हो, तीखा पसंद हो, तो आप यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, चाहे हरी मिर्च की भी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ लास्ट में मैं कटी हुई धनिया पत्ता डालूंगी सारा, ये स्वाद में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सभी चीज़ें को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी नमक की मात्रा कम है या ज़्यादा है या ठीक ठाक है। तो चलिए इसे हम ढक के रख देते हैं। यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, इसे मैं छान लेती हूँ। एक कटोरी इसको छान लेने से इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह मोटा रहेगा वो हट जाएगा। अब यहाँ पे मैं पहले से ही यहाँ पे पानी को उबलने के लिए रख दिया, तो इसे गूंथने के लिए मैं पूरा उबला हुआ पानी यूज करूँगी और मैं इसे एक कलछी या के सहायता से इसमें डालूंगी और चम्मच की सहायता से, क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है, हाथ को इसमें नहीं लगाऊंगी, इसे धीरे धीरे मिलाते जाऊंगी। एक बार में पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे चारों तरफ से मिलाते हुए इसको गूंथ लूंगी। देखिए धीरे धीरे चावल का आटा पानी को ऑब्जर्व कर रहा है, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिला के थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए, और तब मैं इसे बहुत गूंथ लूँगी। तो इसे देखिए, ये थोड़ा मिला के इसे मैं छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। ये देखिए, करीब 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसे ठंडा होने छोड़ दिया था, अभी भी इसमें से थोड़ा सा भाप निकल रहा है, फिर भी मैं इसे देख लेती हूँ। थोड़ा सा हाथ में पानी या तेल लेके इसे मसलते हुए मिलाने का कोशिश करते जाएंगे। अगर ये बंध जा रहा है इसका मतलब कि ये रेडी है। अब इसे मैं धीरे धीरे सारे आटे को मिला लूँगी। ये देखिए, मेरा पिट्ठा जो है अच्छे से गूंथ चुका है, इसे मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा के इसे और मिला लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गीला,
इसको देखिए, अगर ये इसको हम लोई करें और ये बहुत अच्छे से अगर चिकना हो जा रहा है, इसका मतलब कि इसका ये आटा रेडी है। तो चलिए अभी हमारा आटा तैयार है और अब हम लोग इसका पिट्ठा बनाते हैं। हाथ में और मैं लगा के एक लोई ले लेती हूँ, लोई ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी, और इसे मैं अच्छे से मिला के देखिए एकदम, और बीच में इसे करते हुए कटोरा नुमा बना लूंगी। अगर आप पहला बार बना रहे हैं तो इसे थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन एक दो बार बनाने के बाद आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और इसमें मैं एक चम्मच के करीब फिलिंग डाल दूंगी, फिलिंग ज़्यादा नहीं भरना डालना है, नहीं तो ये फट के बाहर निकल सकता है। अब इसे मैं दोनों को ज्वाइन करके अच्छे से इसे कवर कर दूंगी। ये देखिए बहुत अच्छे से इसे करके इसे दबा दूंगी। आइए मैं एक और बना के दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा ऑयल लगा ले। ये देखिए बिहार का बहुत ही फेमस पिट्ठा है, जाड़ा में इसे लोग जरूर बनाते हैं पूस के महीने में। पूस के महीना भी आने वाली है, आप इसे जरूर एक बार बनाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भरना है, ऐसे 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 करके इसी तरह मैं और भी सब बना लेती हूँ पिट्ठी। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चौड़े बर्तन का मैं पानी उबलने के लिए रख दिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बहुत चौड़े बर्तन में पानी को मैंने यहाँ पे गर्म कर दिया है, पानी उबल चुका है। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल दे रही हूँ ताकि ये पिट्ठा एक दूसरे से चिपके नहीं। ये पूरी तरह से उबल चुका है पानी, अब यहाँ पे मैं देखिए एक एक पट पिट्ठा डाल रही हूँ। एक बार में मैं पूरा नहीं डालूंगी, नहीं तो ये आपस में चिपकने लगेंगे। देखिए मैं यहाँ पे 2-3 डाल के फिर उसे मैं ढक देती हूँ। थोड़ा सा ऐसे पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे, नहीं तो ये फेंक देगा पानी, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे भाप निकलने के लिए छोड़ दे रही हूँ। और तब तक से मैं आगे और बना लेती हूँ। ये देखिए एक बार मैं और डाल देती हूँ, देखिए ये उबल चुका है, तो मैं धीरे धीरे साइड से डालते जाऊंगी और फिर से मैं ढक देती हूँ। और इसी तरह मैं बाकी बची हुई आटे की भी लोई बना के पिट्ठा मैं बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं मेरी सब पिट्ठे बनके मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसे मैं मीडियम आंच पे करीब 10 से 15 मिनट उबलने देती हूँ। चलिए यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गया है पिट्ठा को उबलते हुए, मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए अच्छे से ये पक चुका है, इसे मैं ढक देती हूँ और गैस को बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारा पिट्ठा बनके तैयार है, आप इसे बना के इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं या इसे ठंडा करके फ्राई करके भी इसे थोड़ा सा मसाला डाल के चटपटा इसे बना के आप खा सकते हैं। आइए मैं आपको एक इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छा से ये भरा हुआ है पूरा। तो ये देखिए आप इसे बनाइए घर पे और बना के मुझे कमेंट कीजिए कि ये कैसा बना। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।